हेलो एवरीवन। चलो बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, बैंक निफ्टी में कौन से लेवल पे मोमेंटम आ सकता है। तो कल का एनालिसिस जो हमने किया था, वो एनालिसिस कहीं ना कहीं किस तरीके से काम किया, अगर आप जाकर देखते तो चार्ट पे तो क्लियरिटी है। मैंने कहीं ना कहीं आपको सिंपल से बता दिया था कि 41,200 के नीचे नीचे ही मार्केट आता है, तभी हम सेल करेंगे और एक अच्छा मौका मिलेगा। या नीचे के लेवल पे भी एक आपको 40,950 के आसपास से बाइंग के लिए भी जोन देखा जा सकता है, वो भी जैसे हमने प्लान किया था। वो सारी चीजों पर कहीं ना कहीं मार्केट उस तरीके से वर्कआउट किया, फिर आज के दिन में मार्केट साइडवेज टू वोलेटिलिटी क्रिएट करता हुआ दिख गया होगा। आप देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कल के दिन में क्या एनालिसिस हो सकती है। अगर आप मुझे इंट्राडे में मतलब लाइव मार्केट में मुझे अपडेटेड रहना चाहते हो या फिर अपडेट रहना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं लाइव मार्केट में अपडेटेड रहता हूँ। जो भी कुछ दिखता है मैं पोस्ट करते रहता हूँ, तो सारी चीज़ें वहाँ पर पोस्टेड होती है। मैं उसी तरीके से एक छोटे छोटे वीडियोज यूट्यूब पर भी डालने की कोशिश करने वाला हूँ। आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि क्या आपको लाइव मार्केट में भी जो कुछ चीज़ें दिखती है उसके बारे में कुछ अपडेट चाहिए छोटे वीडियोज़ के साथ। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी मैं यूट्यूब पर वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। प्लीज आप मुझे अपडेट करके बता सकते हो। अभी हम फिलहाल चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल के लिए कहाँ मूवमेंट आ सकता है, हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल पे बाय किया जाएगा, कौन से लेवल पे सेल किया जाएगा। हेलो एवरीवन, चलो बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, लॉजिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। कल के लिए हमने एनालिसिस किया था कि मार्केट जब तक 42,200 के ऊपर नहीं निकलता, आप मार्केट को बाय मत किया करो। ये हमने क्लियर क्लियर एनालिसिस करके रखा था। तो मार्केट अभी भी कहीं 200 से आसपास, सॉरी मैंने यहाँ पर 100 लिख दिया। हमने एनालिसिस किया था कि 42,200 के ऊपर ऊपर मार्केट निकल नहीं निकलता, तब तक आप मार्केट को बाय नहीं कर सकते और मत करना बाय, क्योंकि क्लियरली बोला था। और वहीं से देखा जाए तो वहीं से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ चुका। और तो वही चीज़ें होती है कि जब हम एनालिसिस पे फोकस करते तो सारी चीजें क्लियरिटी आती है। और हमने नीचे के साइड में कहीं ना कहीं डिसाइड किया कि 40,000 के नीचे ही मार्केट आता है तो ही हम मार्केट को सेल कर सकते हैं। एंड मैंने क्लियर आपको एक चीज यहाँ पर बता दी कि अगर इसके नीचे मार्केट अगर कहीं कोई कैंडल क्लोज करती है, प्राइस एक्शन दिखता है, तभी मार्केट को सेल करो। आपको पहला टारगेट ये निकल के आएगा और वहां पर हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका था। तो कल के लिए एनालिसिस में हम देखने के प्लान करते हैं मार्केट क्या कर सकता है। आज के दिन पे देखा और कल के दिन पे देखा जाए तो कंप्लीटली मार्केट एक रेंज में ही खड़ा है, बाकी कहीं पर भी मोमेंटम नहीं आया। तो अब मार्केट डाउनसाइड मोमेंटम करेगा या नहीं करेगा, इसको चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। आज पहले निफ्टी को हम देखने की ट्राई करेंगे, क्योंकि निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो निफ्टी अगर अच्छा मोमेंटम दिखाता है तभी हम चीज़ों को सारी प्लान कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी में प्लान करते तो निफ्टी कहीं ना कहीं देखते हो तो पहली ओपन में, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कहीं ना कहीं एक्सपायर होते रहता है, तो आपको बस टेलीग्राम चैनल पर जाकर ओमी साकर का ट्रेडिंग आपको सर्च करना है, जो हमारा नाम है बस उतना ही सर्च करना है। वहां पर आपको फेक अकाउंट बहुत सारे मिलेंगे, यानी क्रिप्टो के अकाउंट जो भी मिलते हैं वो हमारे नहीं है, वो सारे फेक अकाउंट से हमारा जो भी है। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कुछ पोस्ट करता हूँ, फिर चार्ट स्टॉक इंडेक्स के बारे में पोस्ट करता हूँ, वही हमारा चैनल है। और वहीं पर हमारे 3800 के ऊपर ऊपर कुछ फॉलोअर्स है, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, उस चैनल को फॉलो करके रख सकते हो। तो अगर निफ्टी में देखते हो तो निफ्टी पहली बार नीचे आया, फिर थोड़ा पुल बैक किया, फिर नीचे आया। तो अभी के लिए निफ्टी में देखा जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीखा में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 18,400 के नीचे हम थोड़ा सा क्लोज कर चुके। तो अभी अगर निफ्टी सेम लेवल पे, अगर इसी जोन के अंदर अंदर निफ्टी ओपन होने के बाद अगर निफ्टी 18,300 को नीचे की साइड में क्रॉस करता है, तो आप निफ्टी को सेल भी कर सकते हो। जो आपका टारगेट निकल के आएगा पहला 18,200 का पहला टारगेट निकल के, अगर उसके नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो हम कहीं ना कहीं 200 के पास तक इजीली पहुंच सकते हैं। 200 के पास पहुंचने के बाद हमें देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा हमारे लिए। अभी के लिए फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल या इंपॉर्टेंट मेजर लेवल निकल के आएगा वो 18,200 का लेवल निकल के आएगा। तो निफ्टी में 100 पॉइंट का मोमेंटम अगर हो जाता है तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें मिल जाएगा। 100 पॉइंट निफ्टी में कोई कम नहीं होते, और अच्छा प्रॉफिट होने के बाद देखते हैं फिर मार्केट इसी जोन के अंदर अंदर वापस यहीं से, अगर इसी जोन के अंदर अंदर ट्रैवल करता रहता है तो फिर आने वाले टाइम में आप बढ़िया मोमेंटम के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन निफ्टी ऑलरेडी कहीं ना कहीं काफी टाइम से थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम करने की वजह से अब थोड़ा सा इसको रेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो रेस्ट के लिए वेट करते हैं, ये जिस दिन रेस्ट करेगा फिर उसके बाद अगर निकलता है तो हम उसको प्लान आउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए निफ्टी में तो बस ज्यादा कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। कल के दिन पे अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप होने के बाद अगर ये वापस 18,360 के ऊपर अगर निकल जाता है, तभी हम इसको 380-360 के ऊपर अगर निकल जाता है तभी हम इसको बाय करेंगे। तो उसके पहले पहले हम इसको बाय नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूसली दिखा रहा है तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट 360-380 के ऊपर ही हम इसको बाय करेंगे। तब तक बिल्कुल भी हम इसको प्लान नहीं करने वाले बाय करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा एक स्पेस मुझे दिख रहा है कि जो नीचे की साइड में 18,200 तक का भी स्पेस दिख रहा है, वहां तक हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो उतना प्रॉफिट भी हमारे लिए बन जाता है, तो भी बहुत हो जाएगा निफ्टी में। तो निफ्टी का तो एनालिसिस में ज्यादा कोई नहीं आएगा। तो फिलहाल चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट में देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने सेम मोमेंटम किया आज,
पूरा पूरा साइडवेज मार्केट रहा है। आप सेम लेवल के लिए कल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। जब तक आप कल के चार्ट पे कल के मार्केट ओपन होकर अगर सेम लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर मार्केट 42,000 को नीचे की साइड में ब्रेक कर जाता है, यानी एक कैंडल भी अगर नीचे की साइड में क्लोज करे या फिर कोई 5-10 मिनट कैंडल अगर यहाँ पर होल्ड कर जाती है, तभी हम इसको सेल कर सकते हैं, जो कि हमारा टारगेट, तभी हम इसको सेल कर सकते हैं। कोई अगर कैंडल सस्टेन कर जाती है तो भी हम इसको सेल कर सकते हैं, जो हमारा टारगेट निकल के आएगा। पहला टारगेट जो निकल के आएगा 41,800 का निकल के आएगा, यानी 800 के बाद अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम 41,600 के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन एक बात को निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए याद करो, बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल अभी के लिए फिलहाल के लिए हमारे पास 41,500 से लेकर 600, इसके बीच में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। जब तक मार्केट में बना है तब तक मार्केट में हम बुलिश ही प्लान करेंगे। इसके नीचे ये जब आने का मार्केट, तभी हम यहाँ पर मार्केट को सेलिंग प्लान करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मैं कई बार बुलिश बोलता हूँ, कई बार बुलिश बोलता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब तक हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट 41,500 के नीचे ही निगेटिव होने वाला है, यहाँ पर हम सेलिंग तो करेंगे, लेकिन ये हमारे लिए कोई बड़ी मोमेंटम नहीं है, ये हमारे लिए बस एक रिट्रेसमेंट के लिए माना जाएगा और हम यहाँ पर सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मार्केट पॉजिटिव में बोलता हूँ, तब तक मार्केट क्या है कि यहाँ पर आने के बाद भी फिर मार्केट पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये जो मार्केट है यहाँ पर जो सेलिंग हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, ना कि कोई सेलिंग प्रेशर है। यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का प्लान हो सकता है। तो सेम लेवल पे ओपन होने के बाद अगर 42,000 के नीचे अगर सस्टेन कर जाता है तभी हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। फिर मार्केट नीचे आकर जैसे मैंने टारगेट बताया वो सारी चीज़ें हो सकती है। अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं सोचो कि गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन कहाँ तक मार्केट हो सकता है, इसके लिए क्या क्या स्पेस है? तो मार्केट गैप डाउन हो सकता है कहीं ना कहीं ये लेवल के नीचे, मतलब यहाँ से क्लोजिंग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर 600, 650, 500 ये सारे लेवल के पास, मतलब 41,500 से लेकर 650 ये बीच में अगर ओपन होता है तो हम मार्केट को थोड़ा सा प्लान भी कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद 41,500 से लेकर 650 के बीच में अगर ओपन होने के बाद कोई प्राइस एक्शन नीचे की साइड में दिखता है तभी हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेलिंग के लिए अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, सेलिंग के लिए कोई बड़ा मोमेंटम के लिए हम प्लान नहीं कर सकते, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के लिए हम जरूर प्लान कर सकते हैं कि इसके नीचे मार्केट जाता है तो हम इजीली थोड़ा सा सेल आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। होप आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको प्लान दे रहा हूँ, किस तरीके से प्लान बना रहे हैं। लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अगर इसी बीच में कहीं पर ओपन हो जाता है तो मार्केट को ज़्यादा टच करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर से सेम लेवल हो जाएगी, फिर से सारे लेवल 41,500 का नीचे की साइड में लेवल निकल के आएगा, ऊपर की साइड में 42,000, ये सारे लेवल वापस से पुट राइटिंग हो जाएगी, यहाँ से पुट राइटिंग सॉरी यहाँ से कॉल राइटिंग हो जाएगी, नीचे से पुट राइटिंग हो जाएगी, तो फिर से मार्केट एक वोलेटिलिटी क्रिएट जोन होता हुआ दिखेगा। तो अगर मार्केट कहीं पर बीच में ओपन होता है तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, मार्केट को ट्रेड मत करो, क्योंकि ट्रेड नहीं करने क्या करो, देखो दिन में जो 100-50-60 पॉइंट के मोमेंटम ओपन होते हैं इसको मैं मोमेंटम नहीं बोलता, ये मोमेंटम होते ही आप यहाँ पर ये जो होता है इसको आप इंट्राडे में कैच कर सकते हो। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो प्लान बनाते हैं उसी हिसाब से हम प्लान बना रहे, तो मार्केट को वेट करो। अगर इस बीच में कहीं पर भी मार्केट होता है तो फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, 1-2 दिन के लिए वेट करेंगे, देखते हैं फिर मार्केट ओपन होने के बाद, मतलब यहाँ पर कल का क्लोजिंग किस तरीके से होता है देखते। अगर फिर इसके नीचे जाकर मार्केट 41,500 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर देखेंगे सेलिंग के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट यही ओपन होने के बाद अगर एड देन में क्लोज ऊपर के साइड में कर जाता है, जैसे कि वापस 42,000 के ऊपर हम अगर क्लोजिंग कर जाते हैं तो हम वापस से आने वाले टाइम में बहुत बड़ा वापस टारगेट हमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी डायरेक्शन में जाता है, उस तरीके से हम प्लान बनने की कोशिश करेंगे। होप आपको ये प्लान में मजा आया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।